डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, जो कि सभी ब्रांच के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इनवॉल्यूट के बारे में। इनवॉल्यूट का मतलब होता है चक्रम, ठीक है। जैसे कोई भी त्रिभुज हो गया या त्रिभुज हो गया तो हम उसको चक्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे इनवॉल्यूट बनाने का सबसे आसान तरीका। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि सही तरीके से समझ पाए कि इनवॉल्यूट किस तरीके से हम ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज का चक्रण करना। त्रिभुज का चक्रण करना, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज का चक्रण हम किस प्रकार से करते हैं। तो मान लीजिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, वो कोई भी त्रिभुज हो सकता है और उसका साइज कुछ भी हो सकता है। ये कोई क्लियर नहीं है कि साइज क्या होगा। जनरली हम एक क्या करते हैं, एक इस प्रकार से त्रिभुज बना लेते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी और इसको हम दे देते हैं सी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। हम इस लाइन को देखिए यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इस लाइन को हम इस प्रकार से ऐसे आगे बढ़ा देंगे और इस लाइन को हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रकाश रखेंगे, प्रकाश जो पॉइंट होता है हम बिंदु बी पे रखेंगे और सी तक का डिस्टेंस लेंगे, इस प्रकार से एक चाप खींचेंगे। अब इसके बाद बिंदु ए पर प्रकाश का पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक का दूरी लेके हम चार्ज खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद बिंदु सी पर प्रकाश का पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक का दूरी लेंगे और हम खींचेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या किया, बिंदु बी पर प्रकाश का पॉइंट रखे और सी तक की डिस्टेंस लेकर के, सपोज ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिए और एक चाप क्रिएट किए और इसके बाद बिंदु ए पर प्रकाश का पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक का डिस्टेंस लेकर के इस लाइन में मिलाएंगे। इसके बाद बिंदु सी पर प्रकाश का पॉइंट रख के यहाँ से चाप लेकर के हम क्या करेंगे, इस लाइन में मिला देंगे। अब देखिए ये जो हमारा डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, टोटल 30 होगा। क्योंकि समझ लीजिए एक धागा है जिसके सहायता से हम क्या किए हैं, त्रिभुज बनाया है, ठीक है। अब हम उस धागे को यदि पूरा खोलेंगे तो क्या होगा, 10, 20, 30, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 30 होगी। इसी प्रकार से हम चतुर्भुज वृत्त इत्यादि चक्रण कर सकते हैं। जैसे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एक और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है वर्ग का चक्रण करना, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक एक इस प्रकार से वर्ग बना लेते हैं, 10, 10, 10 और ये 10, नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो हम पहले इसको इधर आगे बढ़ा देते हैं, इस बिंदु को हम ऐसे नीचे बढ़ा देते हैं और इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर, जैसे कोई दीवार पर हम चरखा चलाते हैं ना, उसी प्रकार से इसको भी हम घुमाते चरखा की तरह बना देंगे। अब क्या करेंगे, बिंदु बी पर प्रकाश का पॉइंट रखेंगे और ए तक का डिस्टेंस लेकर के हम ऐसा चाप काटेंगे, ठीक उसी प्रकार से चाप काटेंगे जैसे हम त्रिभुज का चक्र किए थे, बस उसमें 3 भुज आती है और इसमें 4 भुज आता है। तो बिंदु बी पर प्रकाश का पॉइंट रखेंगे और ए तक का डिस्टेंस लेंगे और हम ऐसा एक आर्क क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम बिंदु सी पर प्रकाश का पॉइंट रखेंगे और बिंदु इस बिंदु पर चाप ले आकर के हम इस प्रकार से क्रिएट कर देंगे, ठीक। और इसके बाद बिंदु डी पर प्रकाश का पॉइंट रखेंगे और ऐसा चाप क्रिएट करेंगे, बिंदु डी पर प्रकाश का पॉइंट रखेंगे
और डी के सामने वाला जो चाप है वहां तक की डिस्टेंस लेकर के हम एक लाइन मिला लेंगे बिंदु डी के सामने तक, और इसके बाद ए वाले बिंदु से इस बिंदु तक चाप लेकर के हम ऐसा खींच देंगे। अब देखिए ये बन गया हमारा वर्ग का चक्र। अब ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 10, 20, 30 और 40, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कि एक वर्ग की वैल्यूट बनाना सीखे। तो इसी प्रकार से सभी कोई चतुर्भुज हो, वर्ग हो, आयत हो, कोई भी हमारा कंपोनेंट हो उसका हम वैल्यूट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके जस्ट बाद एक वृत्त, अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर। वृत्त का इनवैल्यूट, ठीक है, हम किसी भी वृत्त का इनवैल्यूट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींच लेंगे जो भी साइज का हो, क्या करते हैं एक एक छोटा है वृत्त खींच लेते हैं। इस प्रकार से एक प्रकाश की सहायता से क्या करेंगे, वृत्त खींच लेंगे। वृत्त खींचने के बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे सेंट्रल लाइन से। ये देखिए हम सेंट्रल लाइन से डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे, इस वृत्त को हम 12 भाग में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। सपोज यहाँ पे जैसे हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस काटे ना, तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक की चाप लेंगे और यहाँ पे पॉइंट रख करके यहाँ से एक चाप काट लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ पे एक चाप काट लेंगे और फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे काट लेंगे और यहाँ पे रख के यहाँ काट लेंगे, ठीक है। अब फिर देखिए इस बिंदु पे रखेंगे ये जो चाप कटा हुआ, इस बिंदु पे रखेंगे यहाँ पे चाप कटेगा, और फिर इस बिंदु पे रखेंगे तो यहाँ पे चाप कटेगा, और इस बिंदु पे रखेंगे तो यहाँ पे चाप कटेगा, और यहाँ पे बिंदु हम यहाँ पे चाप कटेगा। इस प्रकार से क्या करेंगे 12 भाग में इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे। अब इसको देखिए इस प्रकार से डिवाइड कर लीजिए। देखिए ये एक हुआ, दो हुआ, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11 और ये 12 भाग। अब ये जो 12 भाग है सभी जगह से हम 90 डिग्री का कोण क्रिएट करेंगे, सेट स्क्वायर की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे यहाँ से जब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ठीक सीधे निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से जब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो वो निकलेगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसे निकलेगा, यहाँ से बनाएंगे बिल्कुल इस प्रकार से निकलेगा। ऐसे ही हम सभी जगह से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए ये हमारा बन गया, इस प्रकार से बन गया 90 डिग्री का कोण। इसको हम थोड़ा आगे कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम सभी जगह से क्या 90 डिग्री का कोण बना लिए। अब क्या करेंगे, इस बिंदु पे प्रकाश का पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक का दूरी लेकर के ऐसे चाप काटेंगे, ठीक। इसके बाद हम इसके अगले वाले पे प्रकाश का पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक का दूरी लेकर के इसमें मिलाएंगे। फिर इस बिंदु पे प्रकाश का पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक का डिस्टेंस लेकर के ऐसे मिलाएंगे, और अगले वाले पे यहाँ तक के पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक का दूरी लेकर के हम इसमें मिला लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ प्रकार का पॉइंट रखेंगे यहाँ तक का दूरी लेकर के ऐसे मिला लेंगे, फिर यहाँ प्रकार का पॉइंट रखेंगे यहाँ तक की दूरी लेकर के इसको इस प्रकार से मिला लेंगे, ठीक। ऐसा ही कार्य हमें करते रहना है जब तक कि हम यहाँ पे न आ जाए। तो 5 नंबर पे देखिए हो गया, अब 6 नंबर पे पॉइंट रखेंगे और 6 नंबर पे मिला देंगे, ठीक है। 7 नंबर पे प्रकार का पॉइंट रखेंगे और इसको 7 नंबर पे मिला देंगे। 8 नंबर पे प्रकार का पॉइंट रखेंगे, 8 नंबर पे मिला देंगे, और 9 नंबर पे प्रकार का पॉइंट रख करके 9 नंबर मिला दिए, और 10 नंबर पे प्रकार का पॉइंट रखेंगे 10 नंबर मिला दिए, और फिर जब हम यहाँ 11 नंबर रखेंगे तो ये हमारा हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो
परिधि है वो हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका पूरा जो माप होगा वही होगा हमारा ये डिस्टेंस। तो इसको ये जो साइज दिए हैं उस साइज के अनुसार इसको मेजरमेंट करेंगे तो बिल्कुल सेम साइज आएगा। तो आप इसी प्रकार से कोई भी वृत्त हो या आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, हम उसका एलिमेंट आसानी से बना सकते हैं किस माध्यम से। तो आज हम क्या सीखें, एलिमेंट बनाना। अगले टॉपिक में हम किसी अदर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।